हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रोंटी। किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परफेक्ट साबुदाना बड़ा होता है जो बाहर से क्रिस्पी लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट। फ्रेंड, आज के वीडियो में आप सीखेंगे परफेक्ट साबुदाना बड़ा बनाना। चलिए बनाते हैं साबुदाना बड़ा। एक कटोरी में 1½ कप साबुदाना लीजिए। हमने जितने साबुदाना लिए हैं 2 कप पानी डालेंगे भिगाने के लिए। साबुदाना को भिगा के रखना है 4 घंटे के लिए। साबुदाना रेडी हुआ कि नहीं मिडिल फिंगर से प्रेस करके देख लीजिए। साबुदाना को बहुत अच्छी तरह धोना है 3 से 4 बार। साबुदाना बड़ा बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए देख ले। साबुदाना, ग्रेटेड मूंगफली, 2 लार्ज साइज पोटैटो, कटा हुआ धनिया पत्ता, कटा हुआ हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट। आलू को मैं कद्दूकस कर रही हूँ। कद्दूकस करने के लिए आलू का लंप नहीं रहना चाहिए। बड़ा में आलू का क्वांटिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी मैं डालूँगी सोक किया गया साबुदाना। नेक्स्ट आइटम डाल दीजिए भुने हुए मूंगफली। साथ में ले रही हूँ फ्रेश कटा हुआ 1 से 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट और छोटा चम्मच हरी मिर्च कटा हुआ, भुना हुआ जीरा पाउडर 2 टेबलस्पून, थोड़ी सी काली मिर्च, रेड चिली पाउडर तीखा के अनुसार लीजिए। अभी मैं डाल रही हूँ क्यूमिन सीड, स्वाद के अनुसार नमक। देन चम्मच की सहायता से इस मिक्स को बहुत ही अच्छी तरह मिलाना है। एक डो की तरह बन गया है, उसे अच्छी तरह बाइंड करना दबा दबा कर। आपका साबुदाना बड़ा का डो रेडी हो गया है। देन नेक्स्ट 10 मिनट के लिए कवर बंद करके रखिए। 10 मिनट हो गया है, कवर को ओपन कर दीजिए। बड़ा को बनाने से पहले दोनों हाथ में तेल लगाए या पानी में लगा सकते हैं। उसके बाद मैं हाथों से गोल आकार कर रही हूँ। उसके बाद हाथ हथौली से प्रेस करके मिडिल अंगुल की सहायता से एक होल करें बड़ा के लिए। इस तरह सेम बड़ा ऐसा ही बनाएं। बड़ा को बनाने के लिए मीडियम फ्लेम करके फ्राई कीजिए। मैं ऑलरेडी पहले से तेल को गर्म करके रखी हूँ। एक एक बड़ा देकर फ्राई करें। तेल में नहीं बिखरा है तो मतलब आपका बड़ा सही बना है, और बिखर रहा है तो बड़ा में और थोड़ा आलू डालकर सॉफ्ट बड़ा बनाना है। बड़ा जब डालकर तलना हो थोड़ा सा गैप देकर, क्योंकि किसी के साथ चिपकेगा नहीं। इस टाइम में आपको ध्यान रखना है कि गलती से भी ठंडे तेल में बड़ा नहीं बनता है। ऐसे करेंगे तो बड़े के अंदर तेल चला जाएगा और बड़ा सॉफ्ट नहीं बनेगा। इसीलिए ना ज़्यादा मिडिल ना ज़्यादा हाई फ्लेम में बड़ा को फ्राई कीजिए। अभी मैं बड़े को पलट सकती हूँ, ध्यान से पलटेगा। अभी मैं कर देती हूँ मीडियम फ्लेम पर। इन बड़े को दोनों ही साइड से कर देते हैं गोल्डन फ्राई। कलर को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है तो बड़े में क्रिस्पी और सॉफ्ट कैसे आएगा। सारे बड़े को इस तरह फ्राई करना है। तो आपका हो गया है परफेक्ट साबुदाना बड़ा रेडी। लाइक शेयर कमेंट विथ सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।